मुरली थाना क्षेत्र की दहिया कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। देर रात यहां पर श्री गणेश फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। धमाके की वजह से साथ लगते कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। एक मकान के मलबे में कई लोग दब गए। जानकारी ये मिल रही है कि इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों का नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी जिला प्रशासन ने मदद नहीं की। दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। श्री गणेश नाम की फैक्ट्री जहां पर कत्था बनता था, यहीं पर ये धमाका हुआ। बॉयलर फटने की वजह से साथ लगता मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। मलबे में करीब 17 लोग दबने की खबर, जिनमें से बताया गया दो के शव निकाले गए हैं, दो की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको हादसे के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते कितना दर्दनाक भीषण ये हादसा था, कितना जोरदार ब्लास्ट यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री साथ ही जो मकान लगते थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी फैक्ट्री के। इसमें कई लोग दबे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 15 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से जानकारी है कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, दो की जान चली गई। सोनीपत के कुंडली में श्री गणेश के नाम से कत्ता फैक्ट्री है, जिसमें कट्टे बनाने का काम होता था, लेकिन बीती देर रात भयानक ब्लास्ट हुआ बॉयलर में। और ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि जिस देख कर किसी की रूह कांप सकती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास की जो दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं, और जो यहाँ पर शेड बनाए गए थे वो शेड के पर कच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी को तस्वीरें दिखाएं जो बॉयलर फटा था। हालांकि यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अंदर जा रहे हैं और आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो ब्लास्ट है वो इसी बॉयलर में हुआ था। और ये बॉयलर फटने के बाद जो आप आसपास की कॉलोनी को देख सकते हैं, जो यहाँ पर दहिया कॉलोनी बनाई गई थी, जो मकान है उनकी दीवारें टूट चुकी हैं, और जो धुआं है वो अब भी यहाँ से निकल रहा है, जो यह बता रहा है कि बॉयलर फटने के बाद यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बॉयलर फटने से फैक्ट्री में काम कर रहे 2 से 3 कर्मचारियों की मौत की सूचना है। 2 शव मिल चुके हैं जिनको दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। आसपास के लोगों में गुस्सा भी है। गुस्सा यह है कि आखिरकार प्रशासन की टीम समय पर क्यों नहीं पहुंची। थाना प्रभारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आप देख सकते हैं रेस्क्यू अभियान चल रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ जहां पर जो वायलर लगा हुआ, अंदर की तरफ जो 2 से 3 कर्मचारी थे वो लगातार काम कर रहे थे, और जब ब्लास्ट हुआ तो अंदर काम कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, दीवारें हैं वो भरभरा कर गिर चुकी हैं, जो शेड बनाए गए थे वो पूरी तरह गिर चुके हैं, जिसके बाद हम ये जरूर कहेंगे कि अब समय 11 बजने को है, लेकिन जिला प्रशासन अभी दोपहर हो चुकी है, लेकिन वो सो कहीं ना कहीं अभी नींद में है, जिस कारण कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे के बाद, इसमें जानकारी ये है कि 20 से 25 आदमी जो घायल हुए हैं और 2 के शव मिल चुके हैं। मैं चाहूंगा सहयोगी को वो शव भी दिखाए जाए जो दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाले हैं। जो शव हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो कर्मचारी थे जो अंदर जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और अभी हालांकि जो तस्वीर है वो धुंधली जरूर होगी, क्योंकि अंधेरा है, और दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो एक शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे थे, और जो एक अभी इनका साथी यहाँ से गायब है, जिसकी जो तलाश है वो की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मकानों में भी जो अंदर लोग सो रहे थे उनके भी दबे होने की सूचना है। मलबे को हटाने का कार्य दमकल विभाग जरूर करेगा। ये टीम आप देख सकते हैं, यही लोहे की टीम थी जो फैक्ट्री पर लगाई गई थी, ये पूरी तरह उड़ चुकी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सहायता ली जा रही है। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने है कि आखिरकार जिला प्रशासन कहाँ है, अभी तक क्यों कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। शव को लेने के लिए वाहन आ चुका है, जो पुलिस का वाहन होता है शव वाहन वो ले आया गया है। पुलिस आप देख सकते हैं, पुलिस जो प्रशासन है, जो SHO है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देवेंद्र कुमार लगातार अपनी टीम के साथ रेस्क्यू अभियान में दमकल विभाग की सहायता कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैन गेट आपको दिखा दूं, फैक्ट्री का ब्लास्ट बॉयलर पीछे फटा, लेकिन आप शेड देख सकते हैं आगे की तरफ की शेड जो टीम की बनाई गई थी वो आगे से भी फट चुकी है। तो कहीं ना कहीं हालांकि जो रिहायशी इलाका है वो अवैध बताया जा रहा है, फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट अभी तक चेक नहीं किए गए हैं कि फैक्ट्री वैध थी या यहाँ पर अवैध थी। अभी फैक्ट्री मालिक यहाँ से फरार बताया जा रहा है, और थाना प्रभारी हैं, उनसे भी बात करने का हम जरूर प्रयास करेंगे कि आखिरकार अभी तक की कार्रवाई क्या है, जिला प्रशासन से कोई कॉल आई है या नहीं आई है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है कि आखिरकार स्थानीय लोग हैं वो भी ये पूछने का प्रयास जरूर करें कि कौन थे, कहां से थे, कि पहचान नहीं हो पाई है। 10 लोग निजी अस्पताल में हैं तो 15 लोग राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में हैं।
सर सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जिला प्रशासन की तरफ से किसी को कोई फोन आपके द्वारा किया गया है या नहीं, कोई पहुंचा है या नहीं? नहीं नहीं, तहसीलदार साहब आ चुके हैं, वो ऐसी बात नहीं है, उनका भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपस में, वो भी आ रहे हैं और फायर ब्रिगेड भी आई हुई है, हमारे पुलिस की एम्बुलेंस भी आई हुई है, सभी लगे हुए हैं। अभी तक की तफ्तीश में क्या सामने आया, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने की मौत हुई? अभी तक तफ्तीश में हमारे हमें जांच में ही पता चला कि डेड दो डेड बॉडी तो हमें मिल चुकी है और कम से कम यहाँ के आसपास के कॉलोनियों के जो लोग रहते थे उनके घरों में काफी नुकसान हो रहा था, वो आम लोग रहते थे उन लोगों को भी काफी कम से कम 20-25 लोगों को वहां को चोट लगी जो कि हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सर अभी तक को डॉक्यूमेंट चेक है जो कॉलोनीज हैं उनको परमिशन थी यहाँ पे? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। फैक्ट्री मालिक से कोई बात हुई सर? मेरी किसी से कोई बात नहीं। अभी सिर्फ रिस्क अभियान चल रही है सर, कितने सौ मिले कितने और मिल सकते हैं? अभी तक यही जांच जा रही है कि हम भी अंदर तलाश कर रहे हैं उसके अंदर कितने लोग और हैं और उनको अगर वो किस परिस्थिति में है। सबसे पहले हमारा यही है उद्देश्य है कि हम उन लोगों को जो भी इसके अंदर उसको निकालें। फिर जांच आगे बढ़ेगी सर? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, चाहे किसी के लापरवाही होती सर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, जिसकी भी दो लापरवाही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो थाना प्रभारी उन्हें जानकारी दी है कि तहसीलदार से संपर्क किया जा रहा है और जो भी यहाँ पर लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल खड़ा फिर वही हो रहा है कि फैक्ट्री मालिक कहाँ है और जिला तो 25 के आसपास लोग घायल बताए गए हैं, दो लोगों के शव भी बरामद कर लिए हैं। अगली खबर भी सोनीपत से, जो एक निजी अस्पताल में आग लगी है, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया गया कि आग लगी, आग इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया जिसकी मदद से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे मुरथल रोड के ऊपर एक क्लिनिक के अंदर आग लगी है और एसी का एक फायर का शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी है और एकदम से आग बढ़ी है। तो अब आग काबू है, फायर ब्रिगेड की मशीन टाइम पे पहुंच गई थी, जैसे ही मैसेज मिला फायर ब्रिगेड की पूरी हमारी टीम आई है यहाँ पे और आग को काबू कर लिया गया है। अब अंदर की जाँच चल रही है, अंदर कुछ सिलेंडर वगैरह बताए गए थे क्लिनिक के अंदर, वो निकाल दिए हैं और एक बार सारी अंदर इंस्पेक्शन करके फिर इसको एकदम क्लियर करेंगे। हमें सूचना मिली थी कि जीएम कॉलेज के पास दुकान में आ गए हैं, मैसेज मिलते ही तुरंत 3 फायर गाड़ियां मौके के लिए निकाली गई, आकर पता चला कि एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। फायर सीलिंग होने की वजह से आग थोड़ी जल्दी फैल गई और जो जानी नुकसान कोई हुआ नहीं है, माल है वो जल गया, जिसका ब्यौरा मालिक से पता करने के बाद पता चलेगा। और अब खबरें हरियाणा के चुनावी रण से, जहां गुड़गांव लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया अपने चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। फाजिलपुरिया ने मानेसर और नू के कई गांवों का दौरा कर चुनाव प्रचार किया। फाजिलपुरिया ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नू का इलाका नेताओं की राजनीति का शिकार हुआ है, ना तो नू का विकास हुआ ना ही यहां के लोगों को रोजगार मिला। फाजिलपुरिया ने कहा कि अगर लोग उन्हें चुनते हैं तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम करेंगे। भूमिवाद के अंदर ऐसी पार्टी थी, ऐसा नेता थी जो इनके साथ दिल से काम करती है। आज यहाँ पे वो पार्टी आती है जो इनके भोलेपन का फायदा उठा रही है, कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रही है। अगर मैं बात करूँ की सुविधाओं के लिए, कहने के तो आज के टाइम में कोई सी भी विधानसभा में कोई आज काम नहीं हुआ, लेकिन भूमिवाद के अंदर एक भी काम नहीं हुआ है। पिछले 75 साल के अंदर देश आजाद हो गए, लेकिन ये आज भी गुलामों वाली जिंदगी जी रहा है। हमें पानी तक भी नहीं है, बिजली तक नहीं है, रोड तक नहीं। यहाँ पे एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इनके बीच में रहकर काम कर सके, सबको एकजुट रखे। जो यहाँ पे नेता आते हैं भड़काने का काम करते हैं, उनको यहाँ से भगाने का काम कर सके, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करवाने का काम कर सके जो यहाँ पे फूंक डालने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने यमुनानगर में पार्टी प्रत्याशी वरुण मुलाना के लिए चुनाव प्रचार किया। हुड्डा ने कहा कि अंबाला से प्रत्याशी वरुण चौधरी के लिए वोट मांगने मैं यहां पर आया हूं और साथ ही अगर आप इन्हें लोकसभा भेजेंगे तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाकर विकास के कार्यों की लहर बना देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 21 को यमुनानगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रचार के लिए हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता भी आने वाले दिनों में रैलियां। खड़गे साहब की है और राहुल जी भी आएंगे हमारे। अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। ठीक है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हरियाणा में कितनी कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है, कितने स्टार प्रचारक इसमें आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता आ रहे हैं। राहुल जी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, प्रियंका जी आएंगी और जितने भी हमारे हैं। सर, निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन दिया था आज वो राज्यभवन ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये गलत खबर है। रिजेक्ट क्या है, उन्होंने कहा अपने ईमेल से भेजो, उन्होंने अपने ईमेल से भेज रहे हैं। पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं। सर, अभी सरकार कैसे चल रही है आपके पक्ष में? अल्पमत में सरकार चल रही है, इसका नैतिक अधिकार कुछ नहीं है सरकार का। नैतिकता के आधार पर इनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और नेता लगातार झूठ का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने हर वर्ग पर लाठी चलाई है, हर वर्ग से पैसा उगाही की है, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी गई। जनता को 10 साल धोखा देने के बाद अब एक बार फिर से ये लोग मौका चाहते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन विजन के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से नकली शराब बन के गुजरात तक जाती है, ये SIT की रिपोर्ट है। नवीन जिंदल जी ने उस पार्टी को ज्वाइन किया जिन्होंने किसानों पे NSA लगाया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, उनके ऊपर गोली बरसाई, शुक्रन किसान की हत्या कर दी, 750 किसानों की शहादत ले ली। 10 साल तक इन्होंने शोषण किया, अब जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को लाने का। JJP विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मनोहर लाल को सुपर CM कहा, साथ ही ये भी कहा कि नायब सिंह सैनी बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा कि सैनी बढ़िया आदमी है लेकिन पूरी की पूरी कमान उनके हाथ में नहीं है, पूरी तरह से सुपर CM मनोहर लाल खट्टर की है। दुष्यंत को लेकर जब सवाल पूछा तो कहा कि मेरा दुष्यंत से कोई रिश्ता नहीं रहा। इशारों में उन्होंने नवीन जिंदल को वोट देने की अपील भी की। दुष्यंत के जिक्र पर शायराना अंदाज भी रामकुमार गौतम का देखने को मिला, लेकिन इस अंदाज में वो दुष्यंत चौटाला पर तंज कस रहे थे। साथ ही केजरीवाल को देश का गद्दार कहा। किसी को वोट दे दो और कोई CPM CPI का खड़ा हो, कोई आजाद खड़ा हो, अच्छा आदमी, किसी को वोट दे दो भाई, लेकिन इस गद्दार को वोट ना दे रहे मेरे भाइयों। ये जो केजरीवाल है इज अ नेशनल ट्रेटर, देश का गद्दार है, देश से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना चाहिए, काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता, इज अ कोबरा स्नेक। मैं JJP से MLA बना, मेरी वजह से सारी JJP के MLA बने, और जिस दिन मैं MLA बना उसके बाद से ही मैंने कोई वास्ता नहीं रखा उससे। मैं पहले दिन ही समझ गया कि क्या चीज है, और अब सिर्फ मेरा उससे कानूनन कनेक्शन है, वो भी कब तक है उसका नहीं पता मेरे भाई, इतनी बात है, इससे फालतू का। करनाल से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलाकात के बाद CM ने कहा कि बलविंदर ने BJP की मदद का आश्वासन दिया है। जब CM नायब सिंह सैनी से इस मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बलविंदर सिंह मेरे पुराने मित्र हैं, ये चुनाव है, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। बलविंदर सिंह जी मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, आज के नहीं हैं, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं घर पे गया था, उन्होंने पूर्ण आश्वासन ये दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का मजबूती से काम करेंगे, और क्योंकि हमारे मित्र हैं, मैं जब उनके पास हेल्प मांगने के लिए गया तो उन्होंने आश्वस्त किया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चुनावी रण और ज्यादा दिलचस्प रोमांचक होता जा रहा है। BJP ने भी इस बार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। BJP के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक से उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में जनसभा की।
इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों का आंकड़ा छू चुकी है और अगले तीन चरण में 400 पार का नारा हकीकत में बदल जाएगा।